नमस्कार साथियों, पार्लियामेंट का विशेष सत्र अभी खत्म हुआ है और इस विशेष सत्र में जो मुद्दे आए हैं उस पर राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद कुछ सवाल लेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये सवाल सिर्फ विशेष सत्र तक ही सीमित रखा जाए। राहुल गांधी जी। थैंक यू जयराम जी। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफी फैनफेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ। वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये दो क्लॉजेस इसमें, दो फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा, ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डायवर्जन टैक्टिक है। डायवर्जन किस चीज से हो रहा है? डायवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं, आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए क्या किया? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है।